पैदा होना दुनिया की जितनी बड़ी सच्चाई है उतनी ही बड़ी सच्चाई है मरना। पैदा होने के बाद तो लोग दुनिया समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन क्या आपको याद रहता है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से मरने के बाद भी शायद दुनिया देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, लेकिन आपको अगले जन्म में कभी उसका याद नहीं रहेगा। खैर, अगला जन्म होता है या नहीं होता है ये हमारा दूसरा टॉपिक है, मैं उसे भी कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये टॉपिक है कि मरने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता होगा। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जल्दी से कर दो वरना मेरे हिसाब से इस दुनिया में हजारों धर्म हैं और मरने के बाद के हर एक धर्म की एक अलग धारणा है, लेकिन मरने के बाद की हमें सच्चाई कौन बता सकता है? सिर्फ एक ही ग्रुप है जो हमें बता सकता है और वो है मरे हुए इंसानों का ग्रुप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मरने के बाद की सच्चाई ना आप बता सकते हैं ना मैं। मरने के बाद की सच्चाई सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो मर चुके हैं और फिर जिंदा हो गए। सही सुना आप लोगों ने, वही लोग जो मरकर जिंदा हो चुके, यानी कि वही लोग जिन्होंने NDE किया। NDE एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसी लकीर होती है, एक ऐसी लाइन होती है जहां पर इंसान अपने जीवन और मृत्यु के बीच में खड़े रहता है और वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि एक मरा हुआ इंसान एक्सपीरियंस करता है। लेकिन गहरे तौर पर हम एक चीज सोचे तो मरने के बाद भी मैं रहता है, मैं मतलब कि कॉन्शियसनेस, तभी तो कुछ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। भले ही वो कुछ ना होने का एक्सपीरियंस हो, लेकिन कुछ ना एक्सपीरियंस करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है। अगर आप डीप में सोचे तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। आसान शब्दों में बताऊं तो नथिंगनेस जैसी चीज को भी एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। मतलब कि इंसान मरने के बाद भी कुछ ना कुछ रहता है, मतलब कि जो मैं है, मतलब जो कॉन्शियसनेस है, मतलब जो मेरी आत्मा, मेरी रूह है, मेरे मरने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर पाएगी। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने करोड़ों एक्सपीरियंस हो चुके हैं जहां पर लोग मरकर जिंदा हुए हैं। जी हाँ, जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि कुछ पल मरकर वो फिर जिंदा हो गए और फिर वो लोगों से पूछताछ की गई, वो लोगों के ऊपर शोध किया गया, जिसमें से एवरेज औसतन लोगों ने ये बताया कि मरने के बाद वो एक टनल का एक्सपीरियंस करते हैं, एक ऐसा टनल जहां पर कुछ ना होने का उन्हें एक्सपीरियंस होता है। और कुछ ना होने का एक्सपीरियंस तभी किया जा सकता था जब उनकी आइडेंटिटी थी, मतलब कि उनकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी थी, तभी उन्होंने कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया। कुछ लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। इसी से जुड़ा हुआ एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। सन 2011 में एक लड़के ने ज्यादा स्लीपिंग पिल खाने के कारण अपनी जान गंवा दी थी। उसे हड़बड़ाहट में एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि शायद उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन वो लड़के की कम्प्लीटली सांसें रुक चुकी थी, हार्ट बीट रुक चुकी थी और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एग्जैक्ट 10 मिनट पहले उस लड़के के अंदर वापस से जान आ गई। और जब उसे पूछताछ की गई तो उस लड़के ने ये बताया कि उसने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि उसने ये बताया कि मेरी आत्मा, मतलब मैं, मेरा कॉन्शियसनेस मेरे शरीर से बाहर निकल चुका था और मैं वो सब कुछ देख सकता था जो नॉर्मल लोग देख पा रहे होते, मतलब कि मैं अपने शरीर से निकलने के बाद खुद को देख पा रहा था स्ट्रेचर पर लेटे हुए। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। तभी उससे एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर्स ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारी जान जा चुकी थी तो तुम्हारे साथ हम क्या क्या एम्बुलेंस में कर रहे थे। तो उस लड़के ने हूबहू वही वाक्य बता दिया जो उस वक्त एम्बुलेंस में किया जा रहा था। उसने तो ये तक बता दिया कि किस किस मोड़ से गुजरकर हॉस्पिटल तक ये वैन पहुंची है। हैरानी वाली बात तो यह है, जब भारत में ऐसे लोगों के साथ शोध किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो ज्यादातर औसतन लोगों का यह कहना था कि उन्होंने 7 मिनट तक अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी चीजें एक फ्लैशबैक में देख डाली थी। और अगर मैं खुद की निजी तौर पर बात करूं तो ये चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैं खुद, मतलब कि एक जानकार बूढ़ी औरत थी जिनकी उम्र लगभग 85 साल थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, वो लगभग आधे एक घंटे में चीजें भूल जाया करती थी और एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन जब सब लोग उनके घर पर पहुंचे, उन्हें अंतिम विदाई देने का वक्त आ गया, तो अचानक से वो अपनी अर्थी से उठ बैठी। और फिर जब डॉक्टर वहां पर पहुंचे और उनके अपनों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने भी हूबहू यही वाक्य सुनाया। उन्होंने भी यही बताया कि 7 मिनट तक मुझे तो अपने बचपन से अभी तक की सारी चीजें अभी दिखी जा रही थी। और उनके रिश्तेदारों की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि उनसे वो 25-30 साल पहले की चीजें पूछ रहे थे। और फिर हैरानी वाली बात तो यह है कि उन्होंने हूबहू वही वाक्य बताया जो 25-30 साल पहले गुजरा था। है ना कमाल की बात। जो औरत आधे एक घंटे पहले की चीजें याद नहीं रख सकती थी, उसे 30 साल पहले का भी सब कुछ याद था, क्योंकि उन्होंने 7 मिनट में उस सब कुछ फ्लैशबैक में देख लिया था जो उन्हें अब तक याद नहीं था। तो हम इसे क्या माने, एक मनगढ़ंत कहानी
या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता, एक ऐसी सच्चाई जिसे चाहकर भी फील नहीं किया जा सकता, या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे आप चाहकर भी दूर नहीं हट सकते। आज एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया कि मरने के बाद भी मैं होता है, मतलब मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी रूह होती है, वो एक्सपीरियंस कर सकती है। अगर कुछ ना भी एक्सपीरियंस कर रही है तो भी वो एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि कुछ ना भी एक्सपीरियंस करने के लिए मैं का होना जरूरी है। अगर मैं है, अगर आइडेंटिटी है, तभी तो वो कुछ नहीं या फिर कुछ एक्सपीरियंस करेगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और थोड़ा कुछ ना कुछ तो ये क्लियर हो गया होगा कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है या फिर क्या क्या हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ यूं ही बने रहिए, क्योंकि मैं हर रात 8:30 बजे इसी तरह से आपके पास कमाल कमाल के वीडियो लेकर आता हूं और उनके सॉल्यूशंस भी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी नए वीडियो लाऊं तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।